बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग की दुनिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फजीता पार्सल, फजीता चिकन पार्सल लाई हूँ, जिसके लिए मेरे पास ये कुछ पट्टियाँ हैं और एक पाव मेरे पास ये चिकन का कीमा है। आप चाहें तो इसको छोटी छोटी बोटियों में भी बना सकते हैं। 250 ग्राम है ये बोनलेस, मैंने बोटी लेके इसका कीमा बना लिया। दो छोटी छोटी प्याज है, मैंने इनको चॉप कर लिया। एक छोटी सी शिमला मिर्च है, ये मैंने चॉप कर लिया। और एक टमाटर है, इसके बीज मैंने निकाल दिए। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, ये तेल है थोड़ा सा। 1 टीस्पून सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून हमारे पास चिली सॉस है। अगर चिली सॉस नहीं हो तो आप रेड चिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाइट सिरका है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ओरिगेनो है। अगर ओरिगेनो नहीं हो आपके पास तो मिक्स हर्ब इस्तेमाल कर लें आप। ये 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है मेरे पास साबुत, और 1 टीस्पून है मेरे पास कुटा हुआ जीरा। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसमें हम डाल देंगे चिकन, एक कप चिकन है 250 ग्राम, एक पाव के करीब। इसको हम पहले भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। भूनने के दौरान हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून। देखिए गोश्त हमारा भून गया, इसका कलर भी तब्दील हो गया। इसमें 2 मीडियम साइज की छोटी प्याज मैंने चॉप करके डाल दी। 102 मिनट इसको चलाएंगे हम। अभी हम सिर्फ सब्जियां डाल रहे हैं, उसके बाद हम चिकन को गलाएंगे। ये शिमला मिर्च डाल देंगे, एक छोटी शिमला मिर्च कटी हुई, और एक ही टमाटर बीज निकाल के मैंने स्लाइस कर लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सॉरी, ये कटने से डाल के कुटा हुआ जीरा है, कुटा हुआ इसी मिर्च है, और ये नमक है, और साथ ही काली मिर्च डाल देंगे। इन मसालों को मिक्स करने बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डाल के चिकन को गलाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करना, फिर हमने चिकन को गलाना। ये मैंने 1/2 कप पानी डाल लिया इसमें। दस से पंद्रह मिनट हम चिकन को गलाएंगे ढक के। चिकन का ये कीमा था इसलिए जल्दी गल गया, तकरीबन मैंने इसको बीच में चेक किया 15 मिनट से पहले गल गया। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने आपको बताया था ओरिगैनो, ये डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस है ये मेरे पास, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस।
वन टीस्पून सिरका है, इनको अच्छी तरह मिक्स करें। 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ठंडा करके इसकी फिलिंग करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब पार्सल की फिलिंग तैयार हो गई है। और मैं आपको सॉरी, मैं इसमें चीज़ बताना भूल गई कि मोज़रेला और क्वार्टर चीज़ है 1 कप है, हाफ हाफ कप मैंने लिए, फ्रीजर में रखी थी इस वजह से मैं भूल गई। तो ये हम इसमें फिलिंग के दौरान डालेंगे। देखिए हम इसका पार्सल बनाएंगे इस तरह से, हम इसको पट्टियों को प्लस के साइन में रख लेंगे। इस तरह से रखेंगे। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा निकाल के इसमें पानी डाल के मैंने इसकी सलेरी बना ली है। अब हम इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे। 1 मिनट पहले मैं इसमें थोड़ी सी इसमें सलेरी लगाएंगे इस तरह से नीचे, फिर हम ये पट्टी रखेंगे इस तरह से, फिर इसमें डालेंगे हम ये चिकन की फिलिंग डालेंगे अपनी। इतने चिकन में तकरीबन 10 से 12 फजीता चिकन पार्सल तैयार हो जाएंगे। और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रखूँगी चीज़, ठीक है ना। हम इसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पर ये मैदे की सलेरी लगाएंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे। सब तरफ लग गया ताकि हमारा पार्सल कहीं से लीक ना हो। देखिए हमारा पार्सल सब तरफ से, इसी तरह हम दूसरा भी तैयार करेंगे। और इसको इस तरह चीज डाल देंगे। सब तरफ से इसको कोट करके ये देखिए हमारा तैयार हो गया। व्यूअर्स इस तरह आप सारे फजीता चिकन पार्सल तैयार कर लें, ठीक है। फजीता पार्सल ये देखिए हमने तैयार कर ली, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। रिवर्स इसको आप तैयार करके 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रख दें, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। ये देखिए हमारे पार्सल्स तैयार हो गए, इतना प्यारा इनका लाइट गोल्डन कलर आया है। स्पेशली मैंने रमज़ान के लिए तैयार की, वैसे आप आम दिनों में इसको शाम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ों के साथ साथ इसको ये बच्चों में भी बहुत पसंद आएंगे।